सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गाइज GTA 5। और गाइज आज हम GTA 5 में मिलने जा रहे हैं माइकल दादा से। भाई माइकल दादा से मिले हुए हमें काफी टाइम हो गया है। लास्ट टाइम हमने भाई जिमी की जान बचाई थी, तभी हम भाई माइकल दादा से मिले थे। उसके बाद भाई हम माइकल दादा से नहीं मिले हैं। तो भाई हमारा काम भी छिन चुका है। भाई सिमियन ने हमें काम से बाहर निकाल दिया है। हम सिमियन के यहाँ पर गाड़ियाँ चुरा देते, लेकिन अभी भाई देखना पड़ेगा लमार के साथ मिलकर हमें कोई काम धंधा है वो नया स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी तो हम चलते हैं सीधा माइकल दादा से मिलने के लिए। सो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं माइकल दादा के घर पर। और भाई अभी ये डोर ओपन होता है और गाड़ी को भाई अंदर ही पार्क लगा देते हैं, कि भाई अभी माइकल दादा के साथ हमारी अच्छी जो है जान पहचान हो चुकी है। सो अभी ये क्या भाई, माइकल दादा के घर से भाई कोई चड्डी चड्डी में भाग रहा है। अभी ये कोई चोरी और तो नहीं है भाई, ये तो शायद कोई टेनिस कोच है भाई। वो अमेंडा को भाई टेनिस सिखाने के लिए आता है माइकल दादा की वाइफ को। अभी भाई माइकल दादा तो बहुत ज्यादा गुस्सा है। भाई माइकल दादा बोल रहे हैं कि वो भाई ये माइकल दादा की वाइफ के इलू इलू कर रहा था भाई। इसकी तो ऐसी तैसी भाई, माइकल दादा नहीं छोड़ने वाले। सो भाई अभी माइकल दादा ने बोला कि तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। भाई फ्रैंकलिन चल रहा है। भाई अमेंडा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। अमेंडा बोले भाई उसे जिंदा तो छोड़ दियो भाई, माइकल भाई दादा तो भाई बदला लेने वाले हैं। भाई वो गाड़ी लेकर अभी बाहर निकला है। अभी माइकल दादा मुड़ लेकर ट्रक, अबे भाई ये ट्रक गया और इसका कंट्रोल बहुत ही कटिया है, लेकिन भाई ट्रक में पावर बहुत ज्यादा है। उसे पकड़ते वो कहीं ज्यादा दूर ना निकल जाए हमारे हाथों से। सो भाई अभी माइकल दादा सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और भाई उस टेनिस कोच की तो भाई खैर नहीं। भाई माइकल दादा बोल रहे हैं भाई मैं उसे पैसे देता हूँ और भाई वो हमारे साथ ही गद्दारी करता है, जिस थाली में खाया उसी में छेद करता है। भाई आज उसका मीने की खैर नहीं। भाई सामने की साइड हो रही उसकी गाड़ी, भाई वो लेकर भग रहा है। अबे भाई ये गाड़ी वाले भी यहाँ पर अभी निकालनी थी इनको गाड़ी। तो भाई उसकी गाड़ी तो हमारी इस ट्रक से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन भाई हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, कहीं वो हमसे ज़्यादा। अबे भाई ये वैन वाले ने भी अभी यहाँ पे गाड़ी निकालने की। अबे शिट भाई वो हमारे हाथों से यहाँ से निकल गया होगा अभी तो। लेकिन भाई माइकल दादा बोल रहे हैं वो यहाँ पर, अबे भाई अभी ये दूसरी गाड़ी से भी टक्कर हो गई। सो माइकल दादा बोल रहे हैं कि भाई वो यहीं पर ऊपर पहाड़ी पर कहीं पर उसका घर है। सो अभी देखते हैं कि भाई ऊपर वहां पर उसका घर कहां पर मिलने वाला है। तो भाई वो सामने की साइड शायद उसका घर है। अभी देखते हैं कि भाई वो किधर गया। भाई ये रही नीचे उसकी गाड़ी। तो भाई वो रहा ऊपर छत पे खड़ा है भाई। अबे चड्डी तेरी चड्डी फाड़ूंगा मैं सबसे पहले तो कमीने। भाई ये बोल रहा है भाई हाँ तुमसे माइकल कुछ गलती हुई है। भाई गलती अभी गलतियां सारी बाहर निकलेंगी यहाँ पे। तो भाई माइकल दादा को बोल रहा है भाई हमें आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। भाई बैठकर बात नहीं करेंगे अब तो, भाई इसका मुंह तोड़ना है बस। सो भाई माइकल दादा से मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं भाई इसके साथ कैसे क्या किया जाए अभी यहाँ पर। तो भी उतरते हैं। भाई माइकल दादा बोल रहा है कि तुम इसे बातों में उलझाना और जो है ये जो नीचे जो पिलर्स हैं भाई इनमें तुम एक सरिया को फंसा देना, जिसकी वजह से भाई हम इसे खींचने वाले हैं, चेन फंसा देना ट्रक से निकाल कर। तो भाई हम इस ट्रक की हेल्प से जो है इस पूरे घर को भाई नीचे की साइड गिराने वाले हैं इस पहाड़ी से। तो भाई इससे जिस जो भी इसका नुकसान होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जिससे इसे रिकवर करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, कर्जे के नीचे आ जाएगा। तो भाई अभी हमें इसे बातों में उलझा रहे हैं माइकल दादा, तब तक मैं चैन फिट कर देता हूँ इसके पिलर में। भाई मैं फ्रैंकलिन ने चैन फिट कर दी है। अभी यहाँ पर भाई ट्रक चलाते हैं और इसके घर को गिराते हैं। भाई अभी भी बोल रहा है ये मिस अंडरस्टैंडिंग। अबे भाई ये शायद इसकी वाइफ है या कौन है भाई ये लड़की, भाई किसी को कॉल कर रही है भाई ये। भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पर, मुझे लग रहा है भाई अंदर से फीलिंग आ रही है। भाई माइकल दादा तो सच में बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो भाई अभी माइकल दादा बोल रहे हैं भाई ट्रक स्टार्ट करते हैं और भाई इसके घर को गिराते हैं और यहाँ से निकलते हैं। भाई ये ट्रक इसीलिए माइकल दादा के पास है क्योंकि भाई ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। भाई अभी भाई पूरा घर हिल गया भाई उसका। सच में भाई इस ट्रक में बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन भाई अभी गिरने का। अबे भाई ये अभी पिलर भाई टूट गया, वो मुड़ गया भाई पिलर उसका पूरा। अभी भाई ये ट्रक और कितनी ताकत लगानी पड़ेगी इसे गिरा दे भाई उस पिलर को। भाई शायद अभी नहीं गिरा पाएगा ये ट्रक, काफी ज्यादा उसने बैंड कर दिया है, लेकिन अभी नहीं गिरने वाला शायद ये घर। नहीं भाई अभी भी इस ट्रक में काफी ज्यादा भाई उस घर को गिरा दिया भाई। और तेरी की भाई अभी उसका काफी ज्यादा नुकसान कर दिया है हमने। और अभी भाई हम सीधा चलते हैं अपने घर पर। वो भाई चलो उसे जिंदा नहीं मारा माइकल ने, जिंदा तो छोड़ दिया। तो अभी चलते हैं सीधा भाई अपने घर पर।
Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house. भाई ये क्या भाई, मैं अनजान नंबर से कॉल आ रहा भाई। ये तो वही भाई उसका अमेंडा का वो फुल टीचर है भाई। ये बोल रहा है कि भाई मेरी औकात नहीं थी इतना बड़ा घर लेने की, और तुमने ये जो घर कह रहा है वो बुरा बहुत बड़ी गलती करती है भाई। ये जो घर था वो मार्टिन मद्रासो का है भाई, मार्टिन मद्रासो। तो भाई फ्रैंकलिन बोल रहा है कि मार्टिन मद्रासो भाई बहुत खतरनाक गैंगस्टर है भाई, हमने बहुत गलत पंगा ले लिया है भाई। वो घर मार्टिन मद्रासो का था वो भाई। वो लड़की तो लास्ट में जो बात कर रही थी वो तो बिल्कुल पागल थी, बोली रेड लाइट ग्रीन लाइट रेड लाइट ग्रीन लाइट, पता नहीं क्या बकवास कर रही है। ये क्या भाई, मार्टिन मद्रासो के गुंडे हमारे पीछे पड़ चुके हैं भाई, अभी इनसे भी हमें पीछा छुड़ाना पड़ेगा। कोई हमने ट्रक को काफी दूर तक पका दिया, लेकिन भाई माइकल जो है अभी भी बोल रहा है भाई फ्रैंकलिन हमें कुछ ना कुछ कर इनसे पीछा छुड़ाना होगा भाई। ट्रक के पीछे काफी सारी गोलियां लग चुकी हैं भाई, ये गाड़ियों वाले तो ऐसे हमारे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। अब भी गोलियों से गोलियाँ मार भाई, फ्रैंकलिन दबा कर गोलियाँ मार, जिंदा नहीं बचना चाहिए भाई। वो रहा लास्ट बंदा, अब भाई इसे भी मार देते हैं भाई, ये बच लेना नहीं चाहिए कोई भी यहाँ पर। तो भाई हमारे ट्रक का बहुत बुरा हाल हो चुका है भाई, हमने मार्टिन मद्रासो के साथ पंगा ले लिया है। वो भी भाई हमने मार्टिन मद्रासो के सभी जो गैंगस्टर जो उन्होंने भेजे थे हमें मारने के लिए, उन सभी को भाई मार डाला। और अभी भाई माइकल दादा घर पर चल कर सोचते हैं भाई मार्टिन मद्रासो से हमें किस तरीके से बचना है, या उससे हमें कैसे डील करना पड़ेगा भाई, क्योंकि भाई हमने उसके घर को तोड़ा है, तो भाई वो हमसे भाई बदला तो जरूर लेगा भाई। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, हमने मार्टिन मद्रासो का घर गिरा दिया, और भाई वो लॉस सैंटोस का सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक गैंगस्टर है। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं माइकल दादा के घर पर वापस। अभी देखते हैं भाई क्या कुछ रहता है भाई, मार्टिन मद्रासो के साथ बहुत प्रॉब्लम हमने क्रिएट कर दी है। सो अभी माइकल दादा बोल रहे हैं कुछ ना कुछ सोचते हैं भाई क्या कुछ किया जाए इस प्रॉब्लम का। भाई ये कौन आ गया भाई, ये वही गैंगस्टर है मार्टिन मद्रासो। मैं मार्टिन मद्रासो कह रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कौन हो और तुम कौन हो भाई। भाई वो हमें नहीं जानता भाई, हमने फ्रैंकलिन बोला मैं फ्रैंकलिन हूँ भाई, लाइसेंस दिखा, लाइसेंस मांग रहा है भाई, विश्वास नहीं है भाई, लाइसेंस रख लिया उसने फ्रैंकलिन का। सो मार्टिन मद्रासो बोल रहा है फ्रैंकलिन तुम बताओ माइकल को मैं कौन हूँ। भाई मार्टिन मद्रासो को भाई बहुत खतरनाक गैंगस्टर है भाई। फ्रैंकलिन बता रहा है कि भाई मार्टिन मद्रासो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और जो भी इनके खिलाफ गया है वो जिंदा नहीं बचा, और जिसने भी गवाही देने की कोशिश करी वो कभी मिला नहीं, वो भी गायब हो गया। तो भाई माइकल दादा के सामने भाई ये डंडा क्यों दिखा रहा है, ओबे भाई माइकल दादा को कूट रहा है भाई, ये तो मार्टिन मद्रासो भाई साहब। इस मार्टिन मद्रासो बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ गई भाई, इसने तो माइकल दादा की हड्डी पसली तोड़ दी भाई, रट से कूट रहा है ये तो माइकल दादा। माइकल दादा से बोल रहा है भाई तुम्हें अभी जो है इसकी पेमेंट करनी होगी जो भी तुमने मेरा नुकसान किया है। तो भाई ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है भाई, अभी हमें जो है पैसे भी देने पड़ेंगे अभी इस गैंगस्टर को। सो गाइस फाइनली अभी मार्टिन मद्रासो है वो चला गया है भाई, और भाई बहुत बुरे तरीके से मारा है माइकल दादा को भाई, अभी कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अभी माइकल दादा कह रहे हैं कि हमें किसी दोस्त को जानता हूँ जो मेरी मदद कर सकता है, वो शायद भाई लेस्टर है भाई, लेस्टर की एंट्री होने वाली है स्टोरी में। सो जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ का इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।